हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स माइंड, और स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर एकदम फ्री। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया, वहां से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और मस्त तरीके से अवेल कर लीजिएगा। तो चलिए किशोर सर, आज के इस लेक्चर में आप क्या लेके आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसके एनसीईआरटी एग्जांपल 8 से लेकर 10 तक की आज हम लोग बात करने वाले। तो 8, 9 और 10 में बहुत ज्यादा मजा आने वाला, तो चलो भैया शुरू कर लेते हम लोग। अब सर 8 क्वेश्चन आया और थोड़ा सा डर लगा, मैंने बोला क्यों? अरे क्योंकि सर पहले ही आ गया व्हाट प्रॉब्लम। अब तो अरे मैंने अब क्या समझाया कि कोई भी व्हाट प्रॉब्लम आए सबसे पहले क्या कर लो, उसको अपने ऊपर ले लो, ठीक है ना? ठीक है सर, चलो सर ज्यादा नहीं घबराऊंगा, सर थोड़ा सा ही घबराऊंगा क्योंकि व्हाट प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लूंगा। बहुत शानदार एग्जाम्पल नंबर 8 बोल क्या रहा है वो सुन लो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, अब 2% है, चलो एक आप हो जाओ एक मैं हो जाता हूं, ठीक है चलेगा? चलेगा सर। अपन लोगों की इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। मतलब अपने खर्चों का भी क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है कितना? 4:3, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव कितना भैया? ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब क्या करना है वो समझो बात को, हमें यहां पर मंथली इनकम निकालना है। अच्छा अपनी इनकम कितनी है? आपकी और मेरी है 9:7 में। इनकम मतलब समझ रहे हो, तो इनकम अपनी 9:7 में। जैसे ही कोई भी चीज रेशियो से हटती है तो एक कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लिकेशन में आता है, यह बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें इसका सोल्यूशन करना है? तो सोल्यूशन करने के लिए पहले तो आपको दो चीजें समझनी चाहिए। अब अगर रेशियो निकालना है ना ऑफ इनकम ऑफ 2% इज 9:7, तो लेट देयर कितनी उनकी इनकम भैया? 9x और 7x। सर 9x ले लिया और 7x ले लिया, सर y क्यों नहीं लिया? कितनी है भैया उनकी इनकम? 9x और 7x। अब बात को ध्यान से समझो, हमारा अगर एक ही चीज है भैया, इनकम की बात हो रही है मेरी भी और आपकी भी, तो जैसे ही ये दोनों हटेंगे, जैसे ही ये दोनों अलग होंगे, वैसे ही इन पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि कॉमन होगा x और आपके लिए भी x, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर इनकम भी 9x और 7x, हमने इनकम को मान लिया, एंड देयर लेट देयर खर्चा, खर्चे बोले तो एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना? कितना कितना? 4y और 3y, कितना हो गया भैया? 4y और 3y। अब जरा मुझे एक बात समझाओ, अगर मैं अपनी इनकम में से, अगर इनकम में से हम लोग खर्चों को माइनस कर लें, अगर हम अपनी इनकम में से हमारे एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, तो हमारे पास बचता क्या है? सर इनकम में से अगर हम लोग क्या कर ले, खर्चों को माइनस कर ले, तो सर हमारे पास कुछ पैसे बचे। सर वो पैसे हमने सेव किए, वो पैसे हमने क्या करे सर? सेव पड़े हुए हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग इनकम में से जब अपने खर्चों को हटा दोगे तो वो पैसा बचेगा जो आपने क्या करा भैया? सेव किया पर मंथ, ठीक है सर। अब बाकी का पैसा आपने क्या किया? सेव किया, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है भैया? इनकम में से आपको एक्सपेंसेस अपने हटाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब मैं अगर अपनी बात करूंगा तो यह मालूम है आपको कि 9x क्या है भैया? मेरी इनकम है,
और 4y क्या है, उस हिसाब से मेरे खर्चे हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि मेरे इनकम में से मेरे खर्चे माइनस होंगे तो मेरे कितना सेव करूंगा, 2000 रुपए पर मंथ सेव करूंगा। ये बात हो गई क्या क्लियर बढ़िया तरीके से? ठीक है, तो जब मैं 9x में से 4y को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे भैया मेरे कितने, 2000। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर हो गई सर बात। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बना ले क्या, चलो दूसरी इक्वेशन बनाते। अब 7x में से अगर मैं 3y को माइनस करूंगा तो आपको भी कितने मैनेज करने भैया, 2000 रुपए। आपको भी कितने मैनेज करने, 2000 रुपए। सारी चीजें पर मंथ की हो रही है, सारी चीजें पर मंथ की हो रही है। सैलरी भी मंथ में एक बार आती है या दो बार आती है, सर एक बार आती है। अरे मेरी भी एक बार आती है और आपकी भी एक ही बार आएगी, है ना। अब ये मत पूछना कि सर सैलरी क्या है, चलो आगे की बात करते। 7x में से क्या करना है हमको, 3y माइनस करना है। 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से 2000 रुपए, आपको भी बचाना है। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, क्योंकि हमारा एलिमिनेशन मेथड चल रहा है इसलिए हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन आपको मिल गई, अब इन दो इक्वेशन से क्या करना है हमें, x और y की वैल्यू निकालना है। अच्छा मेनली तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की। अच्छा क्यों निकालना है x की वैल्यू, क्योंकि हमें मंथली इनकम चाहिए और इनकम बोले तो x की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग y को हटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, y को हटाने की कोशिश करेंगे अपनी दुनिया से। 9x माइनस 4y इक्वेशन है आपके पास, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, और है आपके पास 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और गौर से समझना। यहां पर आपको इतना चीजें क्लियर हो जाने के बाद आपको निकालना क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम। आपको इनकम निकालना है, आपको इनकम निकालना है मतलब आपको 9x और 7x की वैल्यू चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट बोल रहा हूं क्या, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको x चाहिए। अब अगर आपको x चाहिए तो y को हटाने की कोशिश करो। सर y कैसे हटेगा, मैंने बोला y हटेगा जब हम उनके कोफिशियंट्स को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं सर। सर 3 और 4 है सर यहां पर। सर एक काम करो ना सर, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और सर इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मैंने बोला क्यों, अरे क्योंकि सर देखो, सर 9 3 27x माइनस 3 4 12y इज इक्वल्स टू 3 2 6। कितना आ गया यहां पर हमारे पास, यहां पर आ गया हमारे पास कितना भैया, 6000। क्लियर हो रहा है? देखो यहां पर कुछ भी नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग कोफिशियंट्स बराबर करना चाह रहे हैं किसके, y के। y को हटा दोगे x आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। 7 4 28x माइनस 4 3 12y इज इक्वल्स टू 4 2 8, 8000। ये हो गया। अब बात आगे की समझो, यहां पर आपको मालूम है साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर 28 प्लस का है तो वो अब हो जाएगा काय का, माइनस का। अगर ये माइनस का है तो अब काय का हो जाएगा, प्लस का। अगर ये प्लस का है तो अब काय का हो जाएगा, माइनस का। मतलब क्या कि जो 28x है वो अब माइनस का आदमी है और जो 12y है वो अब प्लस का आदमी है और जो 8000 है वो अब माइनस का आदमी है, ठीक है सर। सर 27x में से 28 को माइनस करना है, 27x में से 28x को माइनस करना है, सर आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। सर ये माइनस का 12y और ये प्लस का 12y, सर माइनस का 12y और प्लस का 12y तो खत्म हो गया सर, ठीक है खत्म हो गया। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। सर इज इक्वल्स टू लगा, इज इक्वल्स टू लगा दिया। सर 6000 माइनस 8000 कितना आ जाएगा, माइनस में 2000, माइनस से माइनस कट गया, एक्स कितना आ गया आपके पास, 2000 आ गया। तो एक्स अगर आपके पास 2000 आ गया तो बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, उनकी इनकम कितनी थी, 9x और 7x, ठीक है। तो इनकम ऑफ टू पर्सन देयरफोर
इनकम ऑफ टू पर्सन, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, जो हमने इनकम ली थी वो 9x और 7x ली थी, कितनी थी एक की 9x, वो था मैं, है ना। तो 9 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18000, ठीक है। एक की इनकम तो आ गई 18000 मेरी आ गई, और दूसरा जो बंदा था वो क्या था, उसकी थी सर 7x, तो उस हिसाब से 7 × 2000, तो 7 × 2000 मतलब कितना आ गया आपके पास 14000, समझ गए। तो जो उनकी इनकम आई वो कितनी कितनी आ गई भैया, इनकी इनकम आ गई कितनी आपके पास, इनकी इनकम आ गई 18000, इनकी इनकम आ गई 14000। अच्छा एक बात समझो, यहां पर अगर आपको निकालना रहे कि भैया मंथली इनकम तो ठीक है, अब इनके एक्सपेंसेस अगर निकालने रहे तो भी निकाल लोगे। अब एक्सपेंसेस निकालने के लिए सर हमें यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, वाई की वैल्यू, वैसे तो यहां बोला नहीं है, लेकिन अगर उसके खर्चे की भी बात हो गई, है ना, अगर उसके एक्सपेंसेस की भी बात हो गई, तो आपको यहां पर वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी, ध्यान रखना। और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप एक्स की वैल्यू उठा के कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, जब आप एक्स की वैल्यू उठा के कोई भी एक इक्वेशन में क्या कर दोगे भैया, पुट कर दोगे, तो आपको काई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो हमसे अभी पूछा था वो पूछा था इनका क्या इनकम, है ना, तो इनकी इनकम कितनी आ गई हमारे पास 9x और 7x के हिसाब से, 9 × 2 = 18 और 7 × 2 = 14, क्लियर हो गई इतनी बात पक्का। यहां पर एक बार जल्दी से देख लो, ये पूरा क्वेश्चन हमने शुरू किया था, मैं हट जाता हूं थोड़ा स्क्रीन से, हो गया पक्का, ठीक है, और यहां पर हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। आगे बढ़ ले, बढ़ लो सर। तो जैसे ही अब मैं आगे बढ़ा, तो अब आ गया मेरे पास एक नया क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9, देख रहे हो ना, वर्ड प्रॉब्लम आसान है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लेना तो समझ जाएंगे हम लोग चीजों को, समझ रहे हो ना बात को, आगे शुरू कर लेंगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सर एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करो टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन आपके पास है, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको कैसे, एलिमिनेशन मेथड से, ताकि हम क्या कर पाए, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस यहां पर कैलकुलेट कर पाए, ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई भी ज्यादा दिक्कत यहां पर सर हमें नहीं लग रही है, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर सॉल्व हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। 2x + 3y = 8, इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7, 4x + 6y = 7। अब आप लोग क्या करोगे, सर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन तो बोलता है कि भैया कोई भी एक को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, कोई भी एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट कर दो, ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ पाए। अब यहां पर आप लोग कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, सर एक्स को कर देते, किसको कर देते भैया, एक्स को कर देते। अच्छा सर यहां पर 4x है, यहां पर 2x है, सर इस इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 4x हो जाए, तो मैंने बोला 2 को कर दो। जब आप 2 से को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6y = 2 × 8 = 16, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 4x + 6y = 7। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब हमें क्या करना रहेगा, सर सब्सट्रैक्ट करना रहेगा, पक्की बात है। तो जैसे ही आप लोग यहां पर सब्सट्रैक्ट करोगे, तो माइनस में ये कट जाएगा, इसका साइन भी चेंज होगा, तो उस हिसाब से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 0 = कितना हमारे पास 9, हाँ या ना, हाँ सर। सर ये क्या दे रहा है अपने को, सर यहां पर तो एक्स की भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, रीजन समझो कि यहां पर निकाल क्यों नहीं सकते। अच्छा कोई सा भी मेथड लगाओ नहीं निकाल पाओगे आप लोग, कोई सा भी मेथड आप लोग लगाओगे नहीं निकाल पाओगे, रीजन क्या उसके पीछे का,
क्योंकि रीजन ये है, जब आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करोगे इसको आप लोग जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। सबसे पहले इनको आपको अरेंज करना पड़ेगा, चलो जरा अरेंज करते हैं। ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहां पर निकालना है, ठीक है। a1 कितना आ गया आपके पास 2, B1 आपके पास कितना आ गया 3, C1 यहां पर आपके पास कितना आ गया माइनस का 8, A2 आपके पास कितना आ गया 4, B2 आपके पास कितना आ गया 6, C2 आपके पास कितना आ गया माइनस का 7। अब A1 अपॉन A2 निकालो आप लोग। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं यहां पर आपका एक यूनिक सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। यहां पर आपका एक यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलने का मतलब है कि यहां पर आपके पास पर्टिकुलर एक एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या आएगी, तो देखो A1 अपॉन A2 की अगर हम लोग बात करें तो 2/4, बोले तो 1/2, ठीक है। अगर हम लोग B1 अपॉन B2 की बात करें यहां पर तो वो हो जाएगा 3/6, बोले तो 1/2, ठीक है। अगर हम यहां पर c1/c2 की बात करें तो -8/-7, माइनस से माइनस कट गया। a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा। कंडीशन क्या हो रही है कि सर a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात भी समझ गया मैं, ये बात भी मैं समझ गया। अब आ जाओ एक बार और समझो। अगर आपके पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन कौन सी होती है ये? देखो ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है सर, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन ये? पहली चीज तो कि ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। अच्छा, पैरेलल लाइंस की कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो कितने मिलते हैं सर? नो सॉल्यूशन मिलते हैं वहां पर। तो अगर आपको वहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता तो आप लोग सोच पा रहे हो कि यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर यहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो यहां पर मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर आपको नहीं मिल पाएगी। रीजन, क्योंकि ये ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है जिसमें कि जो लाइन है वो आपस में बात ही नहीं करेंगी। वो कंडीशन कौन सी देंगी? पैरेलल की देंगी। कौन सी कंडीशन देंगी? पैरेलल लाइंस की देंगी। और पैरेलल लाइंस आपस में कभी मिलती नहीं है, और मिलती ही नहीं है वहां पर आपको सोल्यूशन कैसे मिलेंगे? कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे पास? हैज नो सोल्यूशन। लिख देना गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैज नो सोल्यूशन। इनका कोई क्या है? सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने देखा यह पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, यहां पर आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और कोई भी सोल्यूशन ना होने के कारण ये कैसे है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। कैसे है भैया? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि सर यहां पर तो एक क्वेश्चन और है। अब वो क्वेश्चन क्या है? देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, उलझना मत, पहले तो क्वेश्चन को समझो। बात की बात है कि होगा या नहीं होगा, बात की बात है। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, कहीं ना कहीं क्या होगा आपके पास? एक टू डिजिट नंबर होगा, ठीक है।
एंड द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. ठीक है भैया. इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? कितने और नंबर यहां पर बन सकते हैं? अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना. पहले तो क्वेश्चन को अभी पूरा भूल जाओ. अब यहां पे आ जाओ, जरा टू डिजिट नंबर का कंसेप्ट बताता हूं. किसका? टू डिजिट नंबर. अब ये टू डिजिट नंबर क्या होता है आपको एक बात समझाता हूं. मान लो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 27. क्या 27? आपको मालूम है 27 में 7 आपका क्या है? यूनिट डिजिट है. ये जानते हो? जानते सर. और 2 आपका क्या है? टेंस डिजिट है. 7 आपका क्या है? यूनिट प्लेस वाला नंबर है, यूनिट डिजिट कहला जाएगा. 2 आपका क्या है? टेंस प्लेस वाला नंबर है, टेंस डिजिट कहला जाएगा. ठीक है. आपने कभी सोचा है कि ये 27 बना कैसे होगा? कभी आपने सोचा है कि ये 27 जो नंबर है ये टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर बनते कैसे होंगे? तो आ जाओ मैं बताता हूं. आपके टू डिजिट नंबर बनते कुछ ऐसे हैं कि जब आप 10 का मल्टीप्लाई कर देते हो टेंस डिजिट में. क्या बोल रहा हूं मैं? कि जब आप 10 का मल्टीप्लाई कर देते हो टेंस डिजिट में और प्लस कर देते हो यूनिट डिजिट को, तब आपका बनता है कोई भी एक टू डिजिट नंबर. क्या बोल रहा हूं मैं? कि 10 का मल्टीप्लाई कर देते हो जब आप टेंस डिजिट में या टेंस प्लेस में और प्लस कर देते हो यूनिट डिजिट को, तब आपका बनता है कोई भी एक टू डिजिट नंबर. ये 27 भी कुछ ऐसे ही बना है. जब आपने 10 का मल्टीप्लाई करा टेंस डिजिट के साथ, 10 डिजिट बोले तो 2, और प्लस कर दिया आपने यूनिट डिजिट को 7 को, तो यहां पर हो गया 20+7 मतलब कि 27. अब बात को ध्यान से समझना. कोई भी टू डिजिट नंबर का पता करने के लिए आपको उसका यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए और टेंस डिजिट मालूम होना चाहिए, राइट? ठीक है. आपको मैं यूनिट डिजिट भी दे दूंगा, आपको मैं टेंस डिजिट भी दे दूंगा, तो आप क्या मेरे को टू डिजिट नंबर बता दोगे? बता देंगे सर. पक्का? पक्का. ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि कोई भी टू डिजिट नंबर अगर आपसे पूछता है तो आप बोल दो ना उससे कि भैया तू मेरे को क्या दे दे, तू मेरे को टेंस डिजिट दे दे और तू मेरे को यूनिट डिजिट दे दे. टेंस डिजिट यूनिट डिजिट अगर तू मुझे दे देगा तो मैं तेरे को तेरा टू डिजिट नंबर दे दूंगा. ऐसे ही बोलना अपने को. ठीक है सर. अब यहां पर फर्क क्या है? यहां पर फर्क क्या है? सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. पहले तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बी एक्स. मैं आपको दोनों दे रहा हूं. मैं आपको यूनिट डिजिट नंबर को एक्स लेके दे रहा हूं और टेंथ डिजिट नंबर को और टेंथ डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बी एक्स एंड द टेंथ डिजिट बी वाई. तो आप अब मेरे को टू डिजिट नंबर बताओ. जल्दी बताओ टू डिजिट नंबर. टू डिजिट नंबर बताओ. सर आप बोलोगे 10 का मल्टीप्लाई कर दो टेंस के साथ, 10 का मल्टीप्लाई कर दो टेंस के साथ और प्लस कर दो यूनिट डिजिट को, प्लस कर दो यूनिट डिजिट को. पक्का ना? ठीक है. तो उस हिसाब से मेरे पास हो जाएगा 10y+x. बात को और ज्यादा ध्यान से समझो. यहां पे आपको मैंने बताया कि कोई भी टू डिजिट नंबर बनता कैसे है. तो टू डिजिट नंबर बनता ऐसे जब आप 10 का मल्टीप्लाई कर देते हो 10 डिजिट का और उसमें प्लस कर देते हो यूनिट डिजिट को, तो आपके पास क्या बन जाता है? कोई भी एक टू डिजिट का नंबर बन जाता है. ठीक है सर. सर टू डिजिट का नंबर तो बन गया. अब यहां पर सर बात हो रही है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं सर टू डिजिट का नंबर बन गया एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. अब ये रिवर्सिंग द डिजिट्स का क्या मतलब है? रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब है कि अब आपको रिवर्सिंग डिजिट
का मतलब है कि जो अब आपका टू डिजिट था ना वो अब आपका टेंस डिजिट हो गया, जो अब आपका टेंस डिजिट था ना वो अब आपका यूनिट डिजिट हो गया। रिवर्सिंग नंबर का मतलब ये, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स का मतलब है कि जो अब आपका यूनिट था वो अब आपका टेंस हो गया, जो अब आपका टेंस था वो अब आपका यूनिट हो गया। तो लिख देता हूं 10 इंटू यूनिट प्लस टेंस। अब इस हिसाब से अब आप मुझे जरा बताओ 10 का मल्टीप्लाई यूनिट के साथ करना है बोले तो 7 के साथ, 10 इंटू 7 प्लस टेंस के साथ क्या करना है उसको प्लस करना है, तो यहां पर 72 क्या बन जाएगा, 72 एक नंबर बन जाएगा। कब, जब हम रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स फाइंड करना पड़ेगा। रिवर्सिंग द डिजिट्स करते टाइम, रिवर्सिंग द डिजिट करते टाइम आप लोग एक बात का ध्यान देना कि यहां पर टू डिजिट नंबर 10y प्लस x है ना, जहां पर x आपका यूनिट डिजिट था, भूलना मत x आपका यूनिट डिजिट था, y आपका क्या है टेंस डिजिट है, y आपका क्या है टेंस डिजिट है। अच्छा तो रिवर्सिंग द डिजिट होने पर क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थोड़ा जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ यहां पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और गौर से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आई होप आप लोगों को इतना बढ़िया मस्त बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना, पक्का ना, वादा 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 सर, सर इतना तो सही में भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे का समझाओ, तो रिवर्सिंग ऑर्डर भी समझ में आ गया और टू डिजिट नंबर भी समझ में आ गया, टू डिजिट नंबर बनाना भी आ गया और उसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी बनाना आ गया। यहां पर अब जो समझना है वो ये समझना है, समझो अपने को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सम हो रहा है किसका, एक तो टू डिजिट नंबर का और जो नंबर ऑब्टेंड हो रहा है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फिर से सुनो, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 66। वो कितना दिया हुआ है हमें, 66 दिया हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिजिट। देखो भैया द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ देयर डिजिट इस कितना दिया है 66, मतलब कहीं ना कहीं सर इसका और इसका सम कितना दिया हुआ है हमें 66 दिया हुआ है। आ जाओ पीछे देख लें क्या, पीछे देख लो सर, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब इसका और इसका सम कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। 10y प्लस x का प्लस सम करना पड़ेगा 10x प्लस y के साथ, तो हमें कितना मिल जाएगा 66 मिल जाएगा। अब यहां से समझो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 68, ब्रैकेट हटा दिया, x और x
प्लस हो जाएंगे, 11x हो जाएगा, प्लस 10y और y 11y is equals to 66. y कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x plus y is equals to 66. यहां पर आप लोग अब डिवाइड कर दोगे जब 11 को 66 से, तो यू विल गेट 6, मतलब x plus y कितना आ गया यहां पर 6 आ गया. तो आपके पास क्या हो गया भैया, एक इक्वेशन बन गई. ठीक है सर, एक इक्वेशन तो हमारी इसकी मदद से बन गई जो क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया था. अब आगे बढ़ो. इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इफ द डिजिट्स, डिजिट 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 बोल रहा है, और यूनिट डिजिट तो आपने लिया, 10 डिजिट आपने लिया, ठीक है. अगर इनके डिजिट डिफर करते हैं 2 से, अगर इनके डिजिट डिफर करते हैं 2 से, अब इनके डिजिट डिफर करने का क्या मतलब है कि भैया कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, सब्सट्रैक्ट होना हो. इफ द देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है भैया, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, है ना, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब सर कहीं ना कहीं x माइनस y बराबर 2 हो रहा होगा. क्या हो रहा होगा, x माइनस y बराबर 2 हो रहा होगा. अच्छा, x माइनस y बराबर 2 हो रहा होगा. अच्छा एक बात समझाओ, डिजिट x माइनस y बराबर 2 हो रहा होगा, है ना, y माइनस x बराबर 2 भी तो हो सकता है, y माइनस x बराबर भी तो 2 हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी डिजिट है. अब सब्सट्रैक्ट किसका करने को बोल रहा है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, x माइनस y कर रहे हैं. अच्छा y माइनस x भी कर सकते हो, मैं यहां पर यूनिट को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं 10 से, आप 10 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो यूनिट से, क्लियर है. आप x माइनस y करो या y माइनस x करो, आप दोनों कर सकते हो, आप दोनों कर सकते हो. ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, अभी मैं वो वाला भी करके दिखाऊंगा, ठीक है. अब यहां पर दोनों इक्वेशन को क्या करना है, लेना है. आजा भैया यहां पर ले लो जरा, ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन x plus y is equals to 6, और एक इक्वेशन हो गई x minus y is equals to 2. बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर अगर आपको साइन चेंज करना है तो कर दो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डायरेक्टली अगर आप ऐड करोगे ना फर्स्ट और सेकंड को, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. यहां पर x का साइन चेंज अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, y का साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, 2 का साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का. प्लस का x और माइनस का कैंसिल आउट, y और y, 2y, क्यों 2y, क्योंकि सर यहां पर प्लस का y है और नीचे भी क्या हो गया, प्लस का y हो गया, तो y और y 2y is equals to 6 minus 2 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 4/2, 2 2 4, तो y कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, y कितना आ गया आपके पास 2 आ गया. देखो ना y और y 2y, 6 minus 2 4, y कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है. अब इस y की वैल्यू को आप तो चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में डाल दो भैया, फर्स्ट में डाल दो, मेरा मन तो फर्स्ट में हो रहा है, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन है x plus y बराबर 6, y की वैल्यू डालो तो x plus 2 बराबर 6, 2 जब राइट साइड में जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सर, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. अच्छा अब यहां पर बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, फाइंड द नंबर, हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और कितने नंबर्स यहां पर हो सकते हैं, ठीक है. तो जो टू डिजिट नंबर था हमारा वो क्या था, जो यहां पर हमारा टू डिजिट नंबर था वो क्या था, सर जो टू डिजिट नंबर था वो था हमारा 10y प्लस एक्स, क्या था, 10y प्लस में x. अच्छा ठीक है, अब जब आप y की वैल्यू इसमें डालोगे
तो आ जाएगा 10 इन टू में 2 प्लस x की वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा 4, तो नंबर आ जाएगा 24। हाँ या ना? नंबर आ जाएगा 24। अच्छा एक बात समझाओ, टू डिजिट नंबर ये भी हो सकता है और टू डिजिट नंबर आपका 42 भी तो हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, टू डिजिट नंबर आपका 42 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर वो 42 कैसे आएगा? वो 42 कैसे आएगा? आप लोग भी ये सोच रहे हो, ठीक है। उससे भी पहले आपका एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं, वो कौन सा सर? वो ये वाला कि यहां पर आपने जो डिजिट्स का डिफरेंस किया था वो किया था x माइनस वाई। यहां पर बोल रहा था ना, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, है ना, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो आपने क्या करा, x माइनस वाई बराबर 2 कर दिया। अच्छा एक बात समझाओ, y माइनस x बराबर 2 भी हो सकता है क्या? मैं बोल रहा हूं y माइनस x बराबर 2 भी हो सकता है क्या? समझना ध्यान से, या तो ये हो सकता है तो उस हिसाब से नंबर आपका वो बन जाएगा टू डिजिट नंबर। तो मैं बोल रहा हूं y माइनस x बराबर 2 भी तो हो सकता है, हो सकता है क्या? हो सकता है। तो सर अब इसको और इसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, या इन दोनों इक्वेशन को ले लो। ठीक है भैया, इन दोनों इक्वेशन को ले लिया। एक क्लियरिटी देना चाह रहा हूं, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 6, y माइनस x बराबर 2। सर यहां पर करना क्या है, मैंने बोला करना कुछ ये है कि अब आपको सेट करना पड़ेगा इसको। पहले तो ये y माइनस x बराबर 2 को x का है, क्या है, माइनस का है, तो माइनस का इधर ले आओ भाई। x माइनस का है ना, लो लिखा माइनस का x। y प्लस का है ना, लो लिखो प्लस का y। बराबर कितना है हमारे पास, 2 है ना। क्लियर होगी बात? साइन चेंज कर दूं क्या? कर दो सर, कर दो साइन चेंज कर दो। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y से y कट गया, बराबर 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अच्छा यहां पर x 2 आ रहा है, यहां पर x 4 आ रहा है ना, ठीक है सर। तो x को जब आप पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y आपको कितना मिल जाएगा, y आपको मिल जाएगा 4। तो उस हिसाब से जो हमारा नंबर बन सकता है, नंबर क्या था, टू डिजिट नंबर, वो था सर 10y प्लस x। क्या था, 10y प्लस x। सर तो उस हिसाब से y की वैल्यू जब आप डालोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 42। एक नंबर 24 बन सकता है और एक नंबर 42 भी तो बन सकता है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि वो टू डिजिट नंबर या तो 24 हो सकता है या तो 42 हो सकता है। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में आना है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो दो तरीके के नंबर हो सकते हैं, या तो वो 24 हो सकता है या तो वो 42 हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो दोनों टू डिजिट नंबर तो है, पर यहां पर एक कंडीशन दी थी कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 हमें ना तो यूनिट मालूम है ना तो टेंस मालूम है। तो हमने अपने मन से एक बार x माइनस y करके देखा, एक बार y माइनस x करके देखा, एक बार x माइनस y और एक बार y माइनस x, तो हमें पता चला कि उनके जो डिजिट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं काय से, 2 से। समझ गए आप लोग? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का ले लो, हो गया, इसका ले लो, ठीक है, पक्का, ठीक है सर। तो बस ये हो गया बढ़िया तरीके से, ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। तो यहां पर आज हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, बड़े ही बढ़िया तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो अब क्या शुरू होने वाला है, अब शुरू होने वाला है सर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे, साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम से हो सकता है थोड़ा डर लगे, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं
हो सकता है थोड़ा सा डर लगे, लेकिन मैं आपको एक बार और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि डरना बिल्कुल भी मत। जो भी वर्ड प्रॉब्लम आए अपने ऊपर ले लोगे ना, तो वहां पे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी चीजें। क्योंकि अपने ऊपर क्यों लेने को बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग अपने ऊपर लेते ना वर्ड प्रॉब्लम को, तो वो वर्ड प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, वो अब खुद की प्रॉब्लम बन जाती है, और खुद की प्रॉब्लम तो हम लोग बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो बस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ हमारे कुछ टॉप कोर्सेज भी है जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हमारे YouTube चैनल की, तो YouTube चैनल पे आप अभी जैसे आ गए हैं वैसे तो आ जाना, चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में सारे ही टीचर के सारे ही लेक्चर, सारे ही कॉन्टेंट और बढ़िया तरीके से वहां पर अवेलेबल है हर एक टीचर के इंडिविजुअल। और कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर अपनी नजरें जमा लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और इसका तो कतई मत भूलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और ई बुक्स और ई नोट्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।